हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मंथ्स के बाद आ रही है और बहुत ही डिफरेंट भी है, क्योंकि मैं इनकी होम स्कूलिंग कर रही हूँ। तो काफ़ी बार ना मेरा जो होम स्कूलिंग का ग्रुप है वहाँ पर भी डिस्कशन होता है कि कैसे मैनेज करते हैं, क्या शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये ऐसे ही प्ले कर रहे हैं फ्री, राइट? तो मैंने सोचा इसी तरह कि मैं ना इनकी जो डे में क्या क्या करती हैं वो मैं कुछ मोमेंट्स हैं वो इनके कैप्चर करूँ, रिकॉर्ड करूँ, एंड देन आई शुड शेयर विद यू, सो दैट कि आपको भी उसमें कुछ हेल्प मिल सके। तो इनका ना शेड्यूल डिफरेंट होता है हर रोज़ का। सो मंडे टू संडे डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल होते हैं। सो आज है मंडे, तो ये मंडे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको ट्यूसडे को मिलेगी। ओके, सो इसमें इनका फुल डे कैप्चर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मॉर्निंग में उठी, इनका जस्ट वो फ्री टाइम था थोड़ी देर के लिए, देन फिर इन्होंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया है। मंडे को योगा डे होता है। सो थ्री डेज़ हमारा योगा होता है, वन डे नॉर्मल। मंडे को हम थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उठती भी लेट हैं वो। सो मंडे को जो योगा होता है वो इस बुक में देखकर ही वो करती हैं। बहुत ही प्यारी बुक है ये, स्पेशली फॉर किड्स है, डीके पब्लिकेशन की बुक है फॉर योगा। तो और इसमें बहुत अच्छी फोटोज़ गिवन है, जिसमें ना बच्चे का खुद से देखकर करने को मन करता है। और इसमें बहुत सिंपल सिंपल योगास हैं, तो अगर आप इनिशियल लेवल पर बच्चे को ट्राई करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह की कोई भी बुक लेकर करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आप खुद इस तरह के योगास थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने ओम किया, नमस्ते किया, और ये कोई इसमें काउ पोज होगा, कोई कैट पोज होगा, कोई लायन, कोई ट्री, कोई माउंटेन, मीन सिंपल जो बच्चों वाले पोज होंगे ना वो सब होंगे। तो इस तरह की बुक से आप बच्चे को करवा सकते हैं और ख़ुद को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप भी बच्चे के साथ करेंगे ना खुद इन्वॉल्व होकर, तो आपका बच्चा आपको कॉपी करेगा और फिर स्टार्ट कर देगा। अगर छोटा बच्चा है तो बहुत आसान है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसे आपको समझाना पड़ेगा, खुद को उसके साथ थोड़ा और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसे किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है? सो मैं इसमें जस्ट आपको उनकी ये दिखा रही हूँ थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। इसमें मैं ये नहीं बता रही कौन सा योगा है या किस तरह से करें, और वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का नहीं होगा। ये जो कर रही हैं जस्ट वो मैंने कैप्चर किया है। सो योगा के बाद वो कुछ करेंगे बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ ही, या फिर मसल स्ट्रेंथ की एक्टिविटी जो उन्हें हेल्प करेंगी योगा के अलावा, जैसे कराटे वो करती हैं मार्शल आर्ट में, और कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर वो करती हैं तो उसके लिए मसल्स जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बैलेंस जो होना चाहिए, जो उन्हें हेल्प करेगा उनकी जिमनास्टिक क्लास में, तो वो सब भी वो करती हैं, जो कि मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में एक दो चीज़ें। सो सारी इस वीडियो में नहीं कैप्चर हो सकती हैं, लेकिन आज के डे में जो हमने कुछ कुछ करी हैं वो इसमें मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा उन्हें, कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसमें से दिखा पाऊँ। इसके अलावा अगर आप भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारा एक होम स्कूलिंग व्हाट्सअप ग्रुप है अमायराज होम स्कूल के नाम से, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी होम स्कूलिंग कर रहे हैं या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, तो वो भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हमारे लिए भी वो एक डिफरेंट और न्यू तरह की लर्निंग होगी। क्योंकि इंडिया में होम स्कूलिंग है, काफ़ी सालों से लोग कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो हमें भी जब इस तरह की सेम टाइप ऑफ पीपल जिनकी इस तरह की थिंकिंग है या जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी मिलती है, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सो मेरा ये यूट्यूब से कनेक्ट रहने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटिव रहता है कि जब भी मुझे कभी टाइम मिले मैं टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत वीडियोस डालती रहूं, कि अभी नहीं, इन फ्यूचर कभी भी किसी कोई सर्च करता है होम स्कूलिंग के बारे में या घर पे पढ़ाना चाह रहा है तो उसकी कुछ हेल्प हो। सो आफ्टर योगा अपना जो ब्रेकफास्ट था, इन्होंने मिल्क वगैरह जो लिया, उसके बाद ये जा रही हैं अभी डांस क्लास के लिए जो कि सोसाइटी में ही है। ये देखना दीविजा आगे आगे चली जा रही है, क्योंकि उसको जाके लिफ्ट का बटन प्रेस करना है ताकि हमें लिफ्ट के लिए ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़े। और ये पीछे पीछे अमायरा एंड देन मैं थर्ड नंबर पर। सो अभी जाके देवी लिफ्ट का बटन प्रेस कर देगी,
जल्दी से, जब तक हम जाएंगे लिफ्ट वहाँ पे आ जाएगी और ये हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं। सो अब ये डांस क्लास के बाद घर वापस आ चुकी हैं और टाइम है इनका कुछ खाने का, तो इस टाइम मैं एक्चुअली इनको फ्रूट दे रही हूँ। बनाना आज थे नहीं तो इन्होंने एप्पल और गवावा खाया है, और इनका ये फ्री टाइम होता है जिसमें जो मन करे। यहाँ पे अमायरा कुछ ड्रॉ कर रही है, ग्लोब ड्रॉ कर रही है, एंड इस टाइम पर मैं ये कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। जब वो डांस क्लास के लिए जाती हैं तो उस टाइम भी मैं कुछ कुकिंग के लिए रेडी कर लेती हूँ, कुछ स्वीपिंग वगैरह जो भी मेरा घर का काम करना होता है मैं वो कर लेती हूँ, ताकि जब वो वापस आए, ये दिविजा देखे कैसे आराम कर रही है, तो जब वो वापस आए तो मेरा सारा टाइम इनके लिए हो, क्योंकि फिर मुझे इनकी स्टार्ट करनी होती है स्टडी। सो आफ्टर ये खाने के बाद जो हमारा शेड्यूल है, पहले एक्चुअली डांस क्लास मैंने उसकी इंक्लूड नहीं की थी, तो जो एबकस फ्रेंच ये जो एक्टिविटीज़ थी डेली की, मीन्स 10-15 मिनट विद इन हाफ एन आवर की ये एक्टिविटी होती थी, ये मैं करवाती थी, लेकिन अब मैंने डांस ऐड कर दिया है तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं अराउंड 11 o'clock में कराती थी, तो ये अब मैं 1:30 के अराउंड कराऊंगी। सो अब अगस्त में मैं इनको 10 या 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दूंगी जिसमें डेट वाइज ये प्रैक्टिस सेट हैं, जो दोनों ही ये कर लेती हैं, स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो यहाँ ये वही करेंगी। और इसमें ऑलमोस्ट 15 hours का मैं टाइम लेके चलती हूँ, बट हाँ हाफ एन आवर भी लग जाता है क्योंकि ये करती हैं, उसके बाद मैं सोल्व करती हूँ, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें फिर से देती हूँ वो सोल्व करने के लिए, और बीच में अगर इनका फ्री टाइम होता है तो वो भी हो जाता है। इसके अलावा आज है फ्रेंच डे, तो फ्रेंच मुझे नहीं आती है, ऑनलाइन मैं उनके लिए अभी नहीं करना चाहती हूँ, तो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम मैं क्या करती हूँ कि इनको सिर्फ ऑडियो सुनाती हूँ, मीन सिर्फ वो साउंड सुनती हैं। इसके अलावा एक फ्रेंच की बुक है जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी और फ्रेंच तीनों में गिवन है, बट फिर भी वो जो प्रोनंसिएशन है उसमें थोड़ा सा इशू होता है, तो मैं इन्हें एक ऑडियो सुना देती हूँ जो कि इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से सुना रही थी उनको और इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं फ़ोन चला देती हूँ और उसमें जैसे हम इंग्लिश में करते हैं वोकैबुलरी लाइक कलर्स, मंथ, बॉडी पार्ट्स, बर्ड्स, लाइक इस तरह की वोकैबुलरी, डेली यूज जो सेंटेंसेस होते हैं, तो फ्रेंच में मैंने थोड़ा थोड़ा इनका वही स्टार्ट किया है। सो अबकस के बाद वो करेंगी 10 मिनट या 15 मिनट, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। ये जो डेली एक्टिविटीज़ वाली जो मैं डेली करती हूँ, इसमें देखना डे वाइज ना ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मंडे को डे है अबकस एंड फ्रेंच का, ट्यूज़डे को हो जाएगा टेबल का, राइटिंग का, ये दो एक्टिविटीज़, तो इनमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर की ही होती हैं। तो इनके अबकस एंड फ्रेंच के बाद इनका अगेन ये फ्री टाइम या लंच टाइम आप बोल सकते हैं। ये दीवी ने एप्पल फिनिश नहीं किया था तो मैंने उसे फिर से ये एप्पल दे दिया है, और नॉर्मल हम हेल्दी खाना ही खाते हैं, मैं बच्चों को वही देती हूँ, बेसिक खाना जो भी नॉर्मल आपका लस्सी, मिल्क, ककुम्बर, लाइक सैलेड, कोई फ्रूट और खाना इस तरह का बेसिक जो घर में आप खाते हैं, बनाते हैं ईजिली जो बन जाए, वो खाना मैं हम सब लोग वही खाते हैं, और वही बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। सो इस टाइम ये खाना खा लेती हैं, नहाना इनका इस खाने से जो अबकस स्टार्ट हुआ था उससे पहले डांस क्लास के बाद, तब ये नहाना नहा के और फिर ये स्टडी स्टार्ट करती हैं। कभी ऐसे होता है कि डांस क्लास जाने से पहले ये बात कर लेती हैं जब जिमनास्टिक जाती हैं, क्योंकि जिमनास्टिक में बहुत ज़्यादा बॉडी स्वेट करती है। सो अभी ये खाने के बाद इनका कुछ है ये फ़न टाइम, जस्ट ये बालकनी में खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे को हाई कर रही हैं, और बाहर थोड़ा सा मैं इनको भेज देती हूँ कि बेटा बालकनी में जाओ, थोड़ा सा बाहर की एयर लगे बच्चे के, बल्कि बाहर थोड़ा सा ऐसे होता है कि पोल्यूशन और बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इनको बीच में भेज देती हूँ कि बाहर की थोड़ी सनलाइट इनकी आइज़ पे लगे, थोड़ा सा बॉडी माइंड फ्रेश हो, इनकी बॉडी में जो लेजीनेस है वो नहीं रहे। सो अब फ्री टाइम के बाद आज जो हम मंडे को करते हैं वो हम करते हैं मैथ्स एंड हिंदी, तो
तो अब वो कर रही हैं हिंदी। हिंदी में एक ये कविता है कोयल की जो अमायरा को रीड भी करनी है। एंड हिंदी हम वीक में वन ही डे करते हैं मंडे को, क्योंकि मंडे को मैंने बोला थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, तो हिंदी कर लेती हैं वो अब, क्योंकि वो अपने आप से रीड कर लेती हैं और साथ में कोई पोएम लर्न भी कर लेती हैं ना। ऐसे ही दिविजा जो है, इसकी ये छोटी बुक है कविता की, तो ये वो रीड भी करती है और उसको लर्न भी करनी होती है। लर्न करने वाला जो काम है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है देवी के लिए भी और अमायरा के लिए भी। ये बुक्स हैं, इनमें ये थोड़ी बड़ी कविता है, जिससे कि उनकी मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होगी, वो लर्न करेंगी तो। और रीडिंग से कुछ जो बच्चे होते हैं क्या होता है, वो लेटर को भूल जाते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, या कुछ कन्फ्यूजिंग जो होते हैं, तो रीडिंग अगर वो वन डे भी अगर वीक में कर रहे हैं तो वो भूलेंगे नहीं। सो अमायरा की पोएम जो लर्न थी वो हो गई। उसके बाद मैंने उसे ये जस्ट एक तोता के बारे में चार पांच लाइंस हैं जो मैंने उसे रैंडमली ऐसे ही लिखने के लिए दे दी हैं, जस्ट उसको कॉपी करनी है ताकि वो थोड़ा सा लिखना सीखे सेंटेंसेस, मींस हिंदी में वाक्य वो लिखना सीखे। इंग्लिश में वो कर लेती है, अच्छी है उसकी, और हिंदी में भी वो रीडिंग कर लेती है, बोल लेती है, बट लिखने में भी प्रॉपर सेंटेंस वो सीख ले। जस्ट फॉर दैट मैंने उसको ये दे दिया है। और दीवी अपनी उसी कोई और पोएम है, कोई और कविता है जो वो रीड कर रही है। सो हिंदी रीडिंग के बाद अगेन मैं उसको ब्रेक दूंगी दोनों बच्चियों को। तो स्टडी के ना बीच बीच में, जैसे हमारे भी जब क्लासेस होती थी, स्कूल या कॉलेज जाते थे, तो 1 आवर या 45 मिनट के बाद हमें ब्रेक मिलता था ताकि हमारा ब्रेन फ्रेश हो, हम उठकर बाहर जाएं, थोड़ा बॉडी भी अच्छा फील करे। तो ऐसे ही मैं इनको करती हूँ। तो अभी इनका मिल्क टाइम है, दीवी ने मिल्क पी लिया है यहाँ पर, एंड देन मैंने सोचा ओहो मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड की ही नहीं, तो यहाँ अमायरा है वो दूध पी रही है और दीवी ने अपना दूध पी लिया है, तो वो जस्ट नौटंकी कर रही है, यहाँ टाइम पास कर रही है कि अभी ये उसका फ्री टाइम है थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि मिल्क पिया और फिर से स्टडी स्टार्ट करती, बीच में उन्हें वाटर करना है, छोटे बच्चे हैं जैसे पी वगैरह करना है, तो वो स्टडी से पहले ही मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ, ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, ताकि वो बीच में फिर डिस्टर्बेंस नहीं हो या एक्सक्यूज़ नहीं हो, ताकि जो उनका वो प्रॉपर टाइम है ना वो फोकस के साथ उस चीज़ को कर पाएँ। सो नेक्स्ट जो चीज़ है, आज हमारी मैंने बताया था कि हिंदी और मैथ होते हैं, तो वो है मैथ। और मैथ में आज ये कर रही है मनी। सो जो अमायरा वो कर रही है मनी का चैप्टर, एंड जो दिविजा है वो कर रही है, ये एक मैथ की बुक है शायद फर्स्ट क्लास के फर्स्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एंड दिविजा मैं इसको बहुत बार करती थी, मैंने इसकी वीडियोस भी शेयर की होंगी, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और काइंड ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड ई ओड इवन, मीन्स इस तरह की इसमें ना डेली एक्टिविटीज होती हैं, तो ये वन मैं दे देती हूँ इसको, तो ये वही कर रही है आज, इसकी कुछ सब्ट्रैक्शन की है। सो यही है आज इसको मैथ में यही करना है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। उसके बाद हम करते हैं इनके क्लॉथ चेंज, एंड देन फिर जाते हैं कराटे क्लास के लिए जो कि इवनिंग में होती है 6 to 7। कराटे क्लास के आने के बाद टाइम होता है इनका फ्री टाइम, और इन्हें फ्रेश होना होता है, क्लोथ चेंज करने होते हैं, और मेरे लिए वो टाइम होता है डिनर प्रिपेयर करने का टाइम। सो हमने सिंपल दाल रोटी बनाई है और वो इसे खा रही हैं। इसके बाद फिर हमारा टाइम होता है कि हम जस्ट फॉर 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि इन्हें सोना होता है जल्दी ही, तो 10 मिनट के लिए हम जाएंगे वॉक के लिए। तो ये हम आ गए हैं वॉक के लिए, जस्ट फॉर 10 मिनट ही आए हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये 2-4-5 राउंड ले लेती हैं छोटे छोटे, ताकि इन्होंने थोड़ा बहुत जो कुछ खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हमारा टाइम होगा स्टोरी टेलिंग का। जेरोनिमो स्टिल्टन, दिस होटल इज़ हॉन्टेड। आज ये हम स्टोरी करने वाले हैं। एक्चुअली ये बहुत फुल बुक में वन ही स्टोरी है, बट मैनी चैप्टर्स हैं, तो आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे, एंड वी होप कि शायद ये फिनिश हो जाए। 2 चैप्टर्स करते हैं ओके। तो डिपेंडिंग की लेंथ क्या है स्टोरी की, समटाइम्स शॉर्ट स्टोरीज होती हैं तो हम 2-3-4 भी कर लेते हैं, और बड़ी होती है तो 1 ही कर पाते हैं, है ना। हमारी अम्मू है वो तो बहुत सारी कर लेती है। क्या कर रही थी बेटा, इससे क्यों रब कर रहे थे आप? यू डोंट हैव हैंकी, तो ले लेते ना, आप उससे क्लीन कर लेते। और इसके बाद हम स्लीप करेंगे, बिकॉज टुमारो वी हैव जिमनास्टिक क्लास।
हाँ, तो इसके बाद हम पियेंगे मिल्क एंड उसके बाद फिर हम स्लीप करेंगे, ठीक है? तो बाय, बोल दो गुड नाइट।